आज हम लोग पैरामीटर को डिस्कस करेंगे एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू वर्कशीट को लेते हैं, उसको रीनेम कर देते हैं एज ए स्ट्रिंग पैरामीटर। और लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने यूज किया था सेट्स के लिए, उसको भी हम लोग कर देते हैं, उसको रीनेम कर देते हैं टॉप एंड सेट्स पर, ताकि क्लियर हो कि हम लोगों ने क्या वर्क किया था। अब हम लोग स्ट्रिंग पैरामीटर पर देखते हैं। तो पैरामीटर वर्क करने से पहले हम लोग सबसे पहले एक सिंपल रिपोर्ट को क्रिएट करते हैं। तो सेलेक्ट करते हैं इन्हें डायमेंशन सेक्शन, सेलेक्ट प्रोडक्ट सब कैटेगरी, कंट्रोल की को होल्ड डाउन एंड सेलेक्ट सेल्स फ्रॉम मेजर सेक्शन एंड गो टू शो मी एंड क्रिएट ए सिंपल रिपोर्ट। इसको हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इसके बाद हम लोग चाहते हैं अप्लाई करना फिल्टर इस रिपोर्ट पर। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट इन्हें प्रोडक्ट सेलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी इन्हें डायमेंशन सेक्शन, क्लिक ऑन डाउनवर्ड एरो एंड क्लिक शो फिल्टर। इसके बाद हम लोग और भी फिल्टर को अप्लाई करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट पर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करते हैं सेलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट सब कैटेगरी के डाउनवर्ड एरो पर, क्लिक ऑन शो फिल्टर। अब जैसे कि सपोज, जैसे कि हम लोग चाहते हैं जो इंड यूजर है हैज एबिलिटी टू यूज टू फिल्टर द वैल्यू फ्रॉम पर्टिकुलर रिपोर्ट, तो आप इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ऑनली रिलेवेंट वैल्यू पर। तो आपका जो इंड यूजर होगा उन दो इंडिविजुअल फिल्टर का यूज कर आपको इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से वैल्यू को फिल्टर कर सकता है। तो हम लोग चाहते हैं, जैसे हम लोग चाहते हैं ऑप्शन प्रोवाइड करना इंड यूजर को कि मल्टीपल वैल्यू को फिल्टर कर सके। तो सपोज सॉर्ट द रिपोर्ट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड सेल्स, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ड्रॉप डाउन में एक ऑप्शन हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि अगर वो सेल्स और प्रॉफिट का अगर क्लिक करें प्रॉफिट पर तो यह रिपोर्ट सॉर्ट हो जाए इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, अगर क्लिक करें सेल्स पर तो रिपोर्ट सॉर्ट हो जाए इन टर्म्स ऑफ सेल्स। तो बोथ प्रॉफिट एंड सेल्स आपके मेंबर हैं मेजर्स के। तो अभी तक जो हम लोगों ने वर्क किया है इंडिविजुअल फिल्टर पर, तो जो इंडिविजुअल फिल्टर मेंबर पर वो पार्ट है आपके डायमेंशन के। तो दिस टाइम क्रिएट ए फिल्टर फ्रॉम प्रॉफिट एंड सेल्स विच आर पार्ट ऑफ मेजर्स। तो इसके लिए हम जिस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे उसको पैरामीटर कहते हैं। तो जो यूनिवर्सल रूल ऑफ पैरामीटर है जो कि हम लोग फॉलो करेंगे और लर्न करेंगे, थ्री इंपॉर्टेंट थिंग है। यू हैव टू क्रिएट ए पैरामीटर, फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट ए पैरामीटर, सेकेंड यू हैव असाइन एंड एक्शन टू द पैरामीटर, एंड थर्ड यू हैव इंटीग्रेट एक्शन टू द पैरामीटर फॉर द पर्टिकुलर रिपोर्ट। जो थ्री रूल है सिंपल है कि सबसे पहले रिपोर्ट को आपको पैरामीटर क्रिएट करना है, सेकेंड जो पैरामीटर आपका परफॉर्म करेगा ऑपरेशन उसको एक्शन को आपको असाइन करना है, थर्ड है जो एक्शन परफॉर्म करेगा फॉर ए पर्टिकुलर रिपोर्ट उसको इंटीग्रेट करना है। तो जो हम लोग अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, क्रिएट ए पैरामीटर। तो डिफरेंट डिफरेंट वे से हम लोग पैरामीटर को क्रिएट कर सकते हैं टैबलू में। तो जो फर्स्ट आपका है, आप यहाँ पर आपको जो एनालिसिस मीनू है एनालिसिस पार्ट पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पैरामीटर का ऑप्शन शो होगा, तो आप यहाँ से भी आप पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड आपका सपोज जैसे कि आप यहाँ से जाएंगे क्रिएट के ऑप्शन से, यहाँ से भी आपको यहाँ पर भी ऑप्शन अवेलेबल है पैरामीटर क्रिएट करने का। और जो थर्ड ऑप्शन है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑप्शन है, जस्ट आप यहाँ पर डिसाइड द डायमेंशन सेक्शन, आपको डाउनवर्ड एरो शो हो रहा होगा। तो जैसे ही आप डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्रिएट पैरामीटर का ऑप्शन शो होगा। तो जो यहाँ पर आपको डाउनवर्ड एरो पर क्लिक करने पर जो पैरामीटर का ऑप्शन शो हो रहा है, ये आपका मोस्ट कॉमनली यूज होता है और जिसको हम लोग भी फॉलो करेंगे पैरामीटर को क्रिएट करने में हम लोग यूज करेंगे।
हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम इस रिपोर्ट को, पर्टिकुलर रिपोर्ट को सॉर्ट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड सेल्स को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ऐसे पैरामीटर क्रिएट करते हैं, देखते हैं। तो हम लोग करते हैं क्लिक ऑन द डाउनवर्ड एरो एंड क्लिक द पैरामीटर। तो जैसे ही हम पैरामीटर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्रिएट पैरामीटर पर, आपको पैरामीटर के ऑप्शन होंगे। तो इसको हम लोग नेम कर देते हैं ऑप्शन। अब यहाँ पर हम लोग को जो ऑप्शन अवेलेबल है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो जो यहाँ पे आपको ऑप्शन अवेलेबल है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट और सेल्स का यूज कर रहे हैं। और जो ये प्रॉफिट और सेल्स है आपका रिटर्न इन ए टेस्ट वैल्यू है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेलेक्ट करते हैं डेटा टाइप को स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो आपका यहाँ पर जो अलाउबल वैल्यूज है, तो जो ये वैल्यूज है हमारी लिस्ट फॉर्म में है, तो हमको इसको लिस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, और जो हमारे मेंबर हैं जो हम लोग यूज कर रहे हैं प्रॉफिट और सेल्स, उसको हम लोग एग्जैक्ट वे में यहाँ पर रिटर्न करेंगे या टाइप करेंगे। तो एग्जैक्ट वे में इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर ये केस सेंसिटिव है। सपोज यहाँ पर एस कैपिटल है, अगर हम स्मॉल या किसी और तरीके से लिखते हैं तो वो वर्क नहीं करेगा। तो हमको जो भी हमारा जो भी हम यूज़ कर रहे हैं लिस्ट के लिए, तो उसको हम लोग एग्जैक्ट वे में यहाँ पर रिटर्न करेंगे। तो सपोज हम कर रहे हैं सेल्स का, सेकेंड हम यूज कर रहे हैं प्रॉफिट का, सेल्स प्रॉफिट। जैसे ही हम सेलेक्ट कर देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्लिक ऑन ओके। जैसे क्लिक ऑन ओके पे करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर जस्ट लाइक डायमेंशन एंड मेजर एंड सेट्स, हम लोग पैरामीटर के ऑप्शन को फाइंड, हम लोग को पैरामीटर का ऑप्शन भी शो होता है। तो जो इस तरह हमारी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी उसको हमने फुलफिल कर लिया। हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, कि हमको पैरामीटर क्रिएट करना है। तो हमारे यहाँ पर पैरामीटर आपको यहाँ पर पैरामीटर का ऑप्शन शो हो रहा है, जस्ट लाइक डायमेंशन मेजर सेट्स। तो आपको पैरामीटर का एक आपको सेक्शन क्रिएट हो गया है। तो हम अपनी अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं इस तरह। और जो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी पैरामीटर को क्रिएट करने की, वो हमने वो क्रिएट कर ली। और जो हमारी जो हमारा सेकेंड रिक्वायरमेंट है, कि हमको इसको जो एक्शन परफॉर्म करना है उसको असाइन करना है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।